हेलो दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर से रिलेटेड हमारी ये 30वीं PDF है और इस 30वीं PDF का अध्ययन करेंगे हम। और इसके साथ ही इसी आशा के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में सेवानिवृत्त कर दिया गया है, ये हमें बताना है। तो जो भारतीय नौवल है, भारतीय नौसेना है, इसके अभी हाल ही में एक जहाज़ को पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में रिटायर कर दिया गया, तो इस जहाज़ का नाम हमें बताना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है यहाँ में दे रखा है INS कुंभीर, ऑप्शन बी में दे रखा है INS सीता, ऑप्शन सी में दे रखा है INS गुलदार और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब इन तीनों जहाज़ों में से कोई से भी जहाज़ को अभी हाल ही में रिटायर नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, किस देश ने भारतीय तट रक्षक के साथ हाल ही में चेन्नई तट पर 5 दिवसीय वार्षिक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सहयोग काइजन का आयोजन किया है, ये हमें बताना है। तो जो भारतीय तटरक्षक बल है इसके साथ अभी हाल ही में मिलकर किस देश की सेना ने चेन्नई के तट पर 5 दिवसीय वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग का आयोजन इसका आयोजन किया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जापान ने, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है श्रीलंका ने, ऑप्शन सी में दे रखा है फ्रांस ने और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है थाईलैंड ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि अभी हाल ही में जापान की जो सेना है इसने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर चेन्नई तट पर 5 दिवसीय वार्षिक संयुक्त अभ्यास सहयोग का आयोजन किया है। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं, तो पॉइंट में दे रखा है, भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में समुद्री सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए चेन्नई के तट पर सहयोग काइजन नामक एक उपयोगी संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया है। तो भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों ने मिलकर ये जो अभ्यास है संयुक्त काइजन सहयोग काइजन इसका अभी हाल ही में अभ्यास किया है। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया, तो इसका क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, ये जो भारतीय नौसेना है और इसके साथ ही जो रॉयल थाई नौसेना है, मतलब थाईलैंड की जो नौसेना है उसके बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया, इसका नाम क्या था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है एक्स बंधन, ऑप्शन बी में दे रखा है एक्स अयोध्या, ऑप्शन सी में दे रखा है एक्स सागर और ऑप्शन डी में दे रखा है एक्स मैत्री। इस प्रकार चार अपन को ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो पहला शब्द है एक्स, इसका मतलब तो है एक्सरसाइज, इसके साथ ही ये जो दूसरा है ये इसका नाम है एक्सरसाइज का, तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि ये जो एक्स अयोध्या है ये इस अभ्यास का नाम रखा गया है एक्स अयोध्या, जो कि भारतीय नौसेना और जो थाईलैंड की नौसेना है इसके बीच में अभी हाल ही में किया गया है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं, तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयोध्या नाम दिया गया है, जो दो सबसे पुराने शहरों भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयोध्या से लिया गया है। अब ये जो अयोध्या और इसके साथ ही जो थाईलैंड का जो शहर है अयोध्या, इससे दोनों को मिलाकर ये नाम लिया गया है एक्सरसाइज अयोध्या और इसे अभ्यास को एक्सरसाइज अयोध्या नाम दिया गया है। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन हम चलते हैं, तो विच कंट्री विल चेयर द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024, ये हमें बताना है। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 की मीटिंग होने वाली है इसको कौन सी कंट्री चेयर करेगी, इसके 46th सेशन को कौन सी कंट्री चेयर करेगी, ये हमें बताना है कि कौन सी कंट्री इसकी मेज़बानी करेगी। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है इंडिया, ऑप्शन बी में दे रखा है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है जापान और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इटली। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि ये जो इंडिया है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 के जो 46th सेशन है इसकी चेयर करने वाली है, इसका आयोजन करने वाली है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं, तो इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू चेयर एंड होस्ट द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। विशाल वी वर्मा, इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को हैज़ गिवन दिस इंफॉर्मेशन। तो जो इंडिया से ये जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को के लिए विशाल वी वर्मा, इन्होंने अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 है इसका जो 46th सेशन आयोजन किया जाएगा ये कहाँ आयोजन किया जाएगा, ये इंडिया में आयोजन किया जाएगा।
अब इसके आगे हम देखते हैं द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन 21 to 31 July 2024। अब ये जो 46th सेशन है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही 21 से 31 जुलाई मतलब लगातार 10 दिन तक फ्रेंड्स ये चलने वाला है 46th सेशन। अब इससे रिलेटेड हमने ये पॉइंट देखा है, तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो का। अब इसके आगे हम 5th क्वेश्चन में चलते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है धर्म गार्डियन। ये फ्रेंड्स हमें इस एक्सरसाइज का नाम दे रखा है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ टू कंट्रीज। अब ये जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है ये प्रतिवर्ष कंडक्ट होती है और किन कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होती है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ऑप्शंस में देखना होगा किस ऑप्शन में इंडिया है, तो चारों ऑप्शंस में से हमें इंडिया दे रखा है, तो इंडिया इस धर्म गार्जियन एक्सरसाइज को किस कंट्री के साथ मिलकर इसका आयोजन करती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है इंडिया और श्रीलंका, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है इंडिया और इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब क्या हो गया, इजिप्ट का मतलब हो गया मिस्र। अब इसके आगे देखते हैं तो ऑप्शन सी में दे रखा है इंडिया और जापान, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि इंडिया और जापान के बीच में ये जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है ये कंडक्ट करवाई जाती है हर साल। अब इसके आगे हम इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं, तो द 5th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान किक्ड ऑफ ऑन संडे इन राजस्थान। तो ये जो धर्म गार्जियन की जो 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, ये अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है और इंडिया और जापान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अब इसके दूसरा पॉइंट है द एक्सरसाइज नेम्ड धर्म गार्जियन इज बीइंग कंडक्टेड एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर। तो बीकानेर की जो ये फील्ड फायरिंग रेंज है महाजन जिसका नाम दे रखा है, इस रेंज में अभी हाल ही में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और इसके साथ ही हम देखते हैं तो 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक लगातार 10 से 15 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है धर्म गार्जियन का। तो भारत और जापान के बीच में इस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। अब इसके आगे 6th क्वेश्चन में दे रखा है हाल ही में गोवा में शोधकर्ताओं ने सोने के नैनो कणों का संश्लेषण निम्न में से किससे किया है। अब ये जो ये क्वेश्चन है ये अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो गोवा में अभी हाल ही में जो शोधकर्ता थे, मतलब जो साइंटिस्ट व्यक्ति होते हैं जो कि शोधन करते हैं नई नई खोजें करते हैं उनको कहते हैं शोधकर्ता। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो सोना हमारी जो मेटल होती है सोने की जो धातु होती है उसके नैनो पार्टिकल्स का अभी हाल ही में संश्लेषण किया है, मतलब नैनो पार्टिकल्स को खोज निकाला है। तो किस पेड़ में किस पौधे में ये किया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है समुद्री शैवाल में, ऑप्शन बी में दे रखा है मैरूम में, ऑप्शन सी में दे रखा है शैवाल में और ऑप्शन डी में दे रखा है हर्बल अर्क में। इस प्रकार चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि ये जो मशरूम है इसमें अभी हाल ही में फ्रेंड्स सोने के नैनो पार्टिकल्स का संश्लेषण किया गया है, सोने के जो नैनो पार्टिकल्स है ये मिले हैं मशरूम के अंदर। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं तो इसमें दे रखा है हाल ही में गोवा में एक मामला सामने आया है जहां शोधकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने एक जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनो कणों का संश्लेषण किया है जिसे तटीय राज्य में व्यापक रूप से स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाया जाता है। तो ये जो तटीय राज्य होते हैं जैसे कि मुंबई हो गया, महाराष्ट्र राज्य हो गया, इसके साथ ही केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये तटीय राज्य है और इनमें ये जो जंगली प्रजाति का मशरूम है ये पाया जाता है और इस मशरूम को स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाया जाता है। तो इस मशरूम के अंदर अभी हाल ही में सोने के नैनो पार्टिकल्स का शोधन हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं हम देखते हैं, तो टर्मिटोमेसिस प्रजाति का यह मशरूम जो कि दीमक की पहाड़ियों पर उगता है। अब इसके आगे हम देखते हैं 7th क्वेश्चन में, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल इन ह्यूमंस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब कई प्रोसेस होती है बॉडी के साथ, हमारी जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है, ह्यूमंस की जो बॉडी होती है उस बॉडी के साथ कई प्रोसेसेस होती है, लेकिन एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है डायापोज, ऑप्शन बी में दे रखा है सस्पेंशन, ऑप्शन सी में दे रखा है कन्फर्मेशन और ऑप्शन डी में दे रखा है होम्योस्टेसिस। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि फ्रेंड्स जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है,
तो होम्योस्टेसिस के द्वारा हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, होम्योस्टेसिस। अब इससे आगे हम देखते हैं, द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। अब इस होम्योस्टेसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थापन या होम्योस्टेसिस। किसी तंत्र का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करके ताप पीएच आदि को नियत रखता है। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो गया, होम्योस्टेसिस। अब इसके आगे आठवें क्वेश्चन में चलते हैं, तो रिसेंटली इंडियन आर्मी होस्टेड द टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ये हमें बताना है। तो अभी हाल ही में जो भारत की जो सेना है उसने सबसे लंबा जो नेशनल ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो फहराया है, उसको होस्ट किया है, ये हमें बताना है कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में ऐसा किया गया है। तो अपना जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर होने वाला है, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया है। तो अपना ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर है ये फ्रेंड्स एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी है। तो इसका जो हम पॉइंट देखेंगे, पॉइंट दे रखा है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी कोलेबरेटेड विद लोकल अथॉरिटीज टू होस्ट द आइकॉनिक नेशनल फ्लैग द टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग इन द डोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो ये जो हमें दे रखा है डोडा जिला इसका नाम है, इसी डोडे जिले में अभी हाल ही में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इसके आगे नवीं क्वेश्चन में चलते हैं, तो जनवरी 2024 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ निम्न में से किसे चुना गया है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है ये हर महीने ही चुना जाता है, लेकिन जो जनवरी का महीना अभी हाल ही में गया है तो उस जनवरी महीने के लिए हमें बताना है कि किसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सेमार जोसेफ, ऑप्शन बी में दे रखा है एमी हंटर, ऑप्शन सी में दे रखा है विराट कोहली और ऑप्शन डी में दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि सेमार जोसेफ को और इसके साथ ही एमी हंटर को, इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अब जो मेल कैटेगरी है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो मेल कैटेगरी है उसमें तो फ्रेंड्स किसको चुना गया है, सेमार जोसेफ को। इसके साथ ही जो फीमेल कैटेगरी है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में तो एमी हंटर को फीमेल कैटेगरी के रूप में चुना गया है। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन डी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, बोथ ए एंड बी। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के जो स्टार तेज गेंदबाज है समर जोसेफ, इनको आईसीसी 2024 के लिए जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। इसके साथ ही वेस्ट इंडीज़ के किसी पुरुष क्रिकेटर ने पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। अब फ्रेंड्स ये जो हमें दिख रखा है ये स्टार तेज गेंदबाज है ये है सेमार जोसेफ, जो कि वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज है, इनको अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है जनवरी 2024 के लिए। और ये दे रखा है फ्रेंड्स ये है एमी हंटर। अब ये कहाँ के खिलाड़ी है ये भी हम देखेंगे, तो ये किस टीम के खिलाड़ी है ये फ्रेंड्स आपको कमेंट में डालना है एमी हंटर के बारे में। अब इसके आगे दसवें क्वेश्चन में चलते हैं, तो हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है, यह हमें बताना है। तो ये जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है इसके बारे में हमें बताना है कि इसका जो नया नाम है ये क्या रखा गया है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी में बी में दे रखा है निरंजन सहाय, ऑप्शन सी में दे रखा है विराट कोहली और ऑप्शन डी में दे रखा है सचिन तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि ये जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, निरंजन सहाय क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ये इसका नाम रखा गया है। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, निरंजन सहाय। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं, तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम SCA का नाम बदलकर पूर्व फर्स्ट क्लास प्लेयर और वरिष्ठ प्रशासक निरंजन सहाय के नाम पर रखा गया है। तो ये है फ्रेंड्स निरंजन सहाय, जिनकी फ़ोटो आपको डेस्कटॉप पर दिख रही है। अब इसके आगे 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द वेन्यू ऑफ द इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल इमर्ज 2024। अब जो इंडिया की बीच साइड्स होती है जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो बीच साइड होती है उस बीच साइड में स्टार्टअप का कार्यक्रम किया जाता है। तो ये जो पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल है ये इमर्ज 2024 इसका नाम है, ये कहाँ मनाया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है उडुपी में,
ऑप्शन बी में दे रखा है मैंगलोर में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बेंगलोर में, और ऑप्शन डी में दे रखा है शिवमोगा में। तो इस प्रकार चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इमर्ज 2024 जो कि एक बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल है, ये कहाँ अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, तो मैंगलोर में ये सेलिब्रेट किया गया है। अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, मैंगलोर। अब इसके आगे हम देखते हैं तो मैंगलोर को दूसरों नाम से किस नाम से जाना जाता है, मैंगलोरू से। तो द पिक्चर स्क्वे तनिर्भवी बीच, ये बीच का नाम हमें दे रखा है, नेक्स्ट टू द ब्लू फ्लैग बीच विल सर्व एज ए वाइब्रेंट बैकड्रॉप फॉर नेटवर्किंग इनोवेशन एंड द सेलिब्रेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरल स्ट्रीट ऑफ द फॉर इमर्ज 2024 टू बी हेल्ड फ्रॉम 16 से 18 फरवरी। तो 16 से 28 फरवरी के बीच में ये जो इमर्ज फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है, 16 से 28 फरवरी 2024 के बीच में, जिसका नाम है इमर्ज 2024। अब इसके आगे 12वें क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो 12वां और हमारा लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच वन अमोंग दीज इज कॉमनली रेफर्ड टू एज फादर ऑफ द ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये हमें बताना है। तो निम्न में से किस व्यक्ति को हम इस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से निम्न में से किस व्यक्ति को हम जानते हैं, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन बी में दे रखा है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जानते हैं, तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके नीचे इनकी इमेज देखेगी दे रखी है, यह फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज। इसके साथ ही अपना जो सेशन है वो पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।